हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आए थे पतरातू वैली एक्सप्लोर करने के लिए। तो पिछले व्लॉग में मैंने मोटो व्लॉग करा ही नहीं था, और इस वाले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, काफ़ी मस्त जगह थी और हम लोगों ने बोटिंग भी करा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं, 5:15 हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं और बाइक उठाते हैं, फिर मोटो ब्लॉग करते हुए चलेंगे और आपको पतरातू वैली का फुल व्यू दिखाएंगे। गाइस अभी बच्चा वाला हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाले में इसी में से काफी सही जगह है भाई फन के लिए। ये तो यहाँ पे बोटिंग के साथ साथ प्लेइंग भी आप कर सकते हो। देखो बच्चे वाले के साथ साथ बड़े लोग भी झूला झूल रहे हैं, और मैंने भी झूला था एक, लेकिन फिर मैंने दूसरे पे नहीं गया बिकॉज मेरे को लग रहा था कि भाई कहीं रह ही ना जाए टूट के, इसलिए। लेकिन अल्टीमेट भाई मज़ा आ गया यहाँ के पति लगता आया, सब झूला झूल लेंगे, एक भी नहीं छोड़ना है। हम लोग एग्जिट पॉइंट से बाहर की ओर, और गाड़ी पार्क है पार्किंग में, तो बाइक उठाएंगे और फिर निकलेंगे। तो कुछ ऐसा था जो पिछली ब्लॉग नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ तक का वीडियो बना दिया हूँ कि जाके देख लेना। कुछ ऐसा था एंट्री गेट यहाँ का, और बाकी का नज़ारा तो मैं दिखाते ही आया हूँ अंदर से, और बाहर निकल लोगे तो काफ़ी बढ़िया पार्क भी बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जाके देख लेना, बिकॉज उस वीडियो में हम लोगों ने बोटिंग वगैरह करी थी। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं मोटो व्लॉग, बिकॉज आते टाइम हम अपने फ़ोन से ही व्लॉग करते आए थे, मोटो व्लॉग नहीं किए थे। तो इधर बहुत सारे लोग हमें मिले, बहुत सारे बाइकर, और बाइकर का अच्छा कल्चर भी है इधर। ये देखो भाई, यहाँ से ये व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को, यही था यहाँ का लेक, पतरातू का लेक जिसमें कि बोटिंग होता है। तो अभी हम लोग उस साइड को बोटिंग कर रहे थे, और बीच में पानी के एक रिजॉर्ट है जिस पे जाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, और उस पे जाने के लिए भी बोट से ही जाना पड़ता है आपको। और आगे डैम भी था लेकिन डैम हम लोग नहीं गए एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से हो चुकी है चढ़ाई वाली रोड शुरू, और ऐसे ऐसे करके घूम के जैसा मैं पिछले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, वही रोड हम लोग अभी इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो मैं फ़ोटो अटैच कर ही दूँगा, देख लेना आप लोग की कैसी रोड है। और जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अपने बाइक लेके आएंगे बिहार से डायरेक्ट रांची, तो उसमें हम लोग करेंगे एक प्रॉपर राइड यहाँ की, तब तो आप लोगों को मस्त मस्त व्यू दिखेगा। और यहाँ से भी आप जा सकते हो बोटिंग करने के लिए, दोनों तरफ से है रेंज रोवर। बायां साइड में पेट्रोल पंप है। ओके, तो भाई बाइक में पेट्रोल भी लेनी है, पेट्रोल की साइन आ गई है बाइक में। और इधर मैंने देखा कि बहुत सारी लग्जूरियस गाड़ी जैसे BMW हो गई, ऑडी हो गई, रेंज रोवर हो गई, ये सब गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलेंगी आपको। तो बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं इधर, तो पहले फ्यूल अप करवाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो फ्यूल अप पार्ट इज डन, हो गया फ्यूल अप, और अभी हम लोग चल जाएंगे आराम से घर तक, इतना फ्यूल आ गया गाड़ी में। तो और देख लो अभी पूरे वैली का व्यू दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा आगे चल के इस साइड में देखो क्या सही व्यू लग रहा है। तो वो देखो ऊपर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा व्यू पॉइंट नज़र आ रहा होगा, वैसे GoPro में तो आई थिंक नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे रोड घूम के गई हुई है पूरे गोल गोल, वहाँ सबसे टॉप पे जो कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे वहाँ तक जाना है हम लोग को ऐसे ऐसे घूम के पूरा। यहाँ से रांची है ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर, और सामने से एक और ये डिस्कवरी रेंज रोवर की, भाई साहब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ। और इस साइड में देखो क्या सही व्यू आ रहा है पूरे वैली का, तो ऊपर रुकेंगे हम लोग जहाँ पे आई लव पतरातू वाला बोर्ड लगा हुआ है।
जैसे यहाँ का रोड देख के मेरे को नेपाल वाला रोड याद आ जाता है, सेम ऐसे ही रास्ते हैं नेपाल वाले। जब हम लोग काठमांडू के साइड जा रहे थे न्यू ईयर में, सेम ऐसे ही रोड थे। अचानक से टर्न, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे खाई, तो वही वाला सेम व्यू है यहाँ से। ये देखो ये वाला व्यू के पे रुक के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। वहाँ देखो क्या सही लग रहा है, सूरज देवता भी अपना रोशनी फेंक रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में सूरज देवता भी ढल जाएंगे। तो दिन दिन में जो शॉट दिख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए मैंने अभी गोप्रो लगा लिया। तो दिखाते ही चलते हैं आगे, सिटी में क्या ही ब्लॉग करेंगे हम। तो चलते चलते हम लोग यहाँ रुक गए हैं, और ये देखो बाइक खड़ी है, और सामने में दिखाता हूँ, देखो वैली की व्यू कितनी मस्त लग रही है। गोप्रो में तो उतना क्लियर नहीं नजर आता है, बिकॉज गोप्रो में उतना क्लियरिटी नहीं रहती है। और ये यही व्यू की बात कर रहा था मैं, ये अगर आप ड्रोन शॉट से देखोगे तो काफ़ी यूनिक लगता है। ये देखो पूरी रोड ऐसे 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 घूम के जाती है ऊपर, तो क्या मस्त व्यू आता है। अभी हम लोग उसी रोड से जाएंगे ऐसे करके घूम के पूरा ऊपर बाइक लेके। तो मेन चीज़ यही व्यू देखने आते हैं सारे लोग, और यहाँ से ये नज़ारा। ऑल सेट भाई, तो इस ब्यूटीफुल व्यू का बाय-बाय कहने का टाइम। यहाँ से निकलते हैं और आगे और भी अच्छे व्यू दिखाते हैं आपको। तो सूरज देवता अभी थे ही, लेकिन बादल में छुप गए हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये तो सही टाइम पे आया मैं घूमने के लिए, बिकॉज गर्मी में थोड़ा लेट से शाम होता है, नहीं तो ठंडी के टाइम में तो भाई 4 बजते ही पूरा पहाड़ों में अंधेरा छा जाता है। और देखो भाई क्या लीन मारता हुआ गया बंदा। तो वर्जन 3 देख के अपने वर्जन 3 की याद आ गई। और यही ऐसे ऐसे जिगजैग करके हमको ऊपर चढ़ना है अभी। ये देख रहे हो सबसे टॉप पे लोग खड़े हैं फोटोग्राफी करने के लिए, तो वहाँ जाके हम लोग को भी रुक के फ़ोटो लेना है। यहाँ से देखो सनसेट हो रहा है, तो पूरा आसमान लाल हुआ पड़ा है। अभी बाइक थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी चढ़ने में। ये देखो यही नीचे से हम लोग आए अभी, तो जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो नीचे की रोड आप लोगों को नज़र आते रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाना भाई, और जैसे जैसे बोला ना ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे व्यू चेंज होते रहेगा। ये देखो नीचे का व्यू, तो ऐसे ऐसे रोड हम लोग घूम के आए हैं अभी, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इससे भी टॉप पर जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को और अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। तो ये हम कुछ ही नीचे हैं, और हाँ इसके ऊपर यहाँ हम लोग रुक के फ़ोटो क्लिक करेंगे भाई। ये देख लो आई लव पत्रातू वैली, बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज संडे को लेके। तो बाइक मैंने लगा दी है वहाँ पे, और मैं भी आ गया यहाँ पे। ये वाला काफ़ी लोगों के आप वीडियो में देखे होंगे, ये जो पथरीली जगह बनाई हुई है, तो यहाँ पर काफ़ी व्लॉग में मैंने देखा है। और ये वाला आई लव पत्रातू, तो यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं और फटाफट निकलते हैं, और एक बार मैं नीचे का व्यू आप लोगों को चेकआउट कराती हूँ यहाँ से, तो उसके बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो भाई सबसे बढ़िया मुझे यही लग रहा है, वैली के बीच में जो सनसेट हुआ है अभी, क्या सही लग रहा है, पूरा आसमान रेड रेड। तो यहाँ से निकल गए हम लोग फिर से ऊपर की ओर, और ये वाला व्यू देख के भाई दिल खुश हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। और देख रहे हो बहुत सारे बाइकर दिखेंगे यहाँ पे, और शाम के टाइम पे भीड़ कितना हो गया है। पहले ही बताया मैंने आज है संडे, तो संडे को काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। और ये देखो इसी की बात कर रहा था मैं, कॉर्नर्स पे इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रक आ जाता है ना। और यहाँ ऊपर रुकना है कहीं पर हम लोगों को, उसके बाद फिर निकलना है। कहाँ रुकना है? ओके तो रुकते हैं साइड पे आगे। तो एक बार पहले मैं यहाँ से आप लोगों को व्यू चेकआउट कराता हूँ।
क्योंकि सबसे टॉप पे आ गए हम लोग और पूरे नीचे का व्यू यहाँ से दिखता है, तो चलो दिखाते हैं। ये देखो, तो उसी लेक में हम लोग गए थे बोटिंग करने के लिए और ऐसे ऐसे रोड पूरे घूमी हुई है नीचे तक। G900 भी थी एक, और बाकी सब तो KTM R15 वगैरह थी। एक G900 देखी, यहाँ से व्यू देखो, चेकआउट करो। और एक और आ रहा है, डोमिनार राइडर। सो गाइज, अब हो चुकी है बैटरी डाउन अपनी और फोन की भी, तो अभी बाइक उठाते हैं और फटाफट निकल जाते हैं घर की तरफ। देखो शाम होने लगा है, तो मोटो ब्लॉग भी आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, तो उजाले उजाले में जहाँ तक दिखता है वो मोटो ब्लॉग करेंगे, बाकी बात जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहीं हम एंड कर देंगे। तो निकलते हैं इस प्यारे से व्यू को बाय बाय करते हुए, और ये दोनों देख रहे हो निकल आया है, चलो चलते हैं। तो शाम के हो गए हैं 6:32 और मेरे फ़ोन का देख रहे हो बैटरी रेड हो गया भाई, तो अभी निकलते हैं फटाफट इस लोकेशन से और आगे होगा तो कहीं रुकेंगे। चश्मा रख लीजिए आप ही, अब हम थोड़ी पहनेंगे। सो लेट्स गो गाइस। इधर का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगा, एक तो व्यू एक नंबर, ऊपर से रोड एक नंबर। रोड आपको पूरे मतलब इधर आने के लिए एक भी जगह रोड ख़राब नहीं मिलेगा, एकदम मक्खन जैसा रोड है, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और ये देख रहे हो नेट से जो कवर किया हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पे पहाड़ सड़क जाते हैं ऊपर से नीचे को, तो इसलिए ये डाल दिया है ताकि ऊपर से अगर कोई कुछ गिरता भी है तो ऊपर ही रुक जाए, नीचे नहीं आए। बाइक कितना साउंड कर रहा है ये देख रहे हो आप लोग, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हाइट पे हम लोग चढ़ रहे हैं। तो एक ही नंबर में गाड़ी चढ़ सकती है और कभी 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 दो लग जाती है, नहीं तो भाई इतने स्लो स्लो में चलना पड़ता है और नीचे पूरी खाई खाई, बहुत नीचे से बहुत ऊपर आना पड़ता है। घाटी क्षेत्र समाप्त, धन्यवाद। रांची यहाँ से अभी भी 18 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा और लगने वाला है हम लोग को जाने में। ये देखो भाई, यही है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना भी मना है, यही है पागलखाना। और इस पर लिखा क्या हुआ है देख लो, रिन पास कांके चौक, तो कांके चौक पे ही है पागलखाना। तो डॉक्टर लोग जा रहे हैं अंदर लेकिन हम लोग नहीं जा सकते भाई, लेट्स गो। मौसम को बदली कर दे, जो भी पागल रहते हैं उसको यहीं पे लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और दिखा दिए, ये वाला आओगे तो ये बोर्ड भी दिख जाएगा आप लोगों को, तो समझ जाना यही है पागल खाना यहाँ का। सो जी फाइनली आ चुके हैं घर और टाइम देख लो अभी, तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:29, 9:30 तो रास्ते में हम लोग रुक के थोड़ा सा शॉपिंग भी करने लगे थे, और रात में आप लोग सोच रहे हो कि चश्मा काहे पहने हुए हैं, तो चश्मा भाई ये लिए हैं आते टाइम, तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।